स्रोत है, हमारी केंद्र की सरकार ने प्रावधान किया है और खास करके बिहार के लिए आज एक बड़ी सौगात है। आपने देखा कि 3 एक्सप्रेस हाईवे की घोषणा हुई है, 26,000 करोड़ सिर्फ सड़कों पर खर्च किया जा रहा है, कई मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए भी प्रावधान किया गया है और जो व्यवसायी है उसके लिए जो 10 लाख रुपया की सीमा थी मुद्रा लोन की उसे 20 लाख रुपया किया गया है, छात्रों को 3% के दर से उन्हें शैक्षणिक कार्य के लिए लोन की सुविधा हमारी सरकार ने दी है। अभी तो बजट लगातार सदन में बजट पर भाषण चल रहा है और उम्मीद करते हैं कि और भी सारी घोषणाएं अभी जो होनी है निश्चित तौर पर होगी और बिहार के विकास के लिए बिहार के संबंध में जो अलग अलग कई मांगे आ रही है कि बिहार और कैसे बेहतर हो, मुझे लगता है कि वो सारी आकांक्षाएं इस बार के बजट में पूरी होगी। जो स्पेशल एसेस की बात अभी भी कर रहे हैं विपक्ष और कहा जाए कि अब सड़कों पे उतरेंगे, नहीं देखिए एक चीज मैं बहुत स्पष्ट करता हूं कि चाहे हमारे सहयोगी दल हो चाहे विपक्ष के लोग हो, वो बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस की मांग करते हैं तो उनकी हमारे जो सहयोगी उनकी भावना है कि बिहार आगे बढ़े। कुछ लोग स्पेशल स्टेटस को एक पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट बनाना चाहते हैं, तो ये इस तरह से बिहार का विकास नहीं हो सकता है। और आज का जो बजट भाषण जो अभी चल रहा है उसमें कई चीजें बहुत साफ तौर पर बिहार के लिए आई है और मुझे लगता है कि जब पूरे बजट भाषण समाप्त होगा माननीय वित्त मंत्री जी का और तब उस पर जो प्रतिक्रियाएं आएगी तब लगेगा कि पूरे तौर पर बिहार के विकास के लिए वो सारे प्रावधान किए गए हैं जो बिहार के लोग चाह रहे हैं और हमारे सहयोगी दल के भी जो साथी चाह रहे हैं।